नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के विवेकानंद पार्क में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, आज बात इनसे करूंगा। कांग्रेस की बात करूंगा। इस समय देश में एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है हिंडनबर्ग का, वो क्या है उसको भी जानने समझने की कोशिश करूंगा। ये बताइए, जिस तरीके से आपके पूर्व अध्यक्ष ने बड़ी पद यात्रा कर डाली, उसके बाद लगातार आप हाथ से हाथ जोड़े अभियान सड़कों में है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, आप अपनी बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाते, सीटों में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते? हम लोग, हमारी पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है हाथ से हाथ जोड़ों के माध्यम से कि जन जन तक ये देश के साथ खुलेआम जो लूट हुई है, जो देश में डकैती पड़ी है, जो अडानी ने डाली है, इससे बड़ी डकैतियां पहले पड़ी थी। मेहुल चौकसी थे, नीरव मोदी थे, माल्या थे, अब तो बच्चे वो खेल खेलने लगे हैं ना। गौतम अडानी उड़, विजय माल्या अडानी उड़, ये एक बड़ी बात है। गौतम अडानी उड़, सीधा सा अर्थ है जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा देश पर बना हुआ है, उसके साथ साथ करंट टॉपिक भी है कांग्रेस का। आज कांग्रेस की बात हो रही है क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पद यात्रा की, उसके बाद कांग्रेस का जनाधार बना है। यह जनाधार क्या वोट में बदलेगा? निश्चित निश्चित। कैसे बदलेगा? बदलना सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो है, जो बहुजन समाज पार्टी में ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति जनजाति और वर्ग वर्ग खासकर अल्पसंख्यक लोग रहते थे, तो असलियत को समझ गए कि कांग्रेस के अलावा और हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं, इसलिए निश्चित इसमें बदलाव होगा। बैकवर्ड क्लास के लोग समझ गए हैं कांग्रेस के अलावा कोई जनाधार वाला पार्टी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को आपके हाथ से खींच लेती है। मुद्दे तो आपके पास बहुत होते हैं, जनता के बीच में सवाल यही है कि जनता के बीच में अपनी बात आप ठीक से नहीं रख पाते। देखिए, इस समय जब से हमारे नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा किए हैं, जो कि एक बहुत आश्चर्य की बात है, जिसको लोग बात कहते थे कि घर से निकलते नहीं थे अपोजिशन वाले, आज वो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा चले हैं, जो कि बड़े बड़े महर्ष ऋषि मुनि तक नहीं चल पाए थे। आज वो घर घर में ये संदेश सुनकर जा रहा है कि हम लोग, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग, गरीबों, असहाय, महिला, पिछड़े वर्ग सबके साथ है, और उसका कन्वर्ट होगा वोट के माध्यम से। इस बार जीत 2023 और 24 में हमारी कांग्रेस की विजय होगी, वोट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जमीनी हकीकत, जैसे अभी शिव प्रसाद जी कह रहे थे, जमीनी हकीकत वैसे नहीं दिखती। पिछली बार की बात की जाए तो आप कहीं नहीं दिखते बिंदु में बात की जाए। नहीं, इस बार देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी ऐसा कार्यक्रम चला रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जन तक, घर घर तक हमारा ये हाथ जोड़ो लगातार मार्च तक चलेगा। हाथ जोड़ो लगातार मार्च तक चलेगा, छोटी छोटी जगह पे भी आप जाएंगे। डॉक्टर साहब, छोटी जगह पर तो आप जा रहे हैं लगातार, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि निचले तबका भी आपके साथ है। जमीनी हकीकत सच में यही है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। कैसे कैसे आपको लोग वोट दें? देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा में भाजपा और भाजपा के लोगों का जो है नशा ढील कर दिया उन्होंने। वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर से भी अधिक उन्होंने पद यात्रा की, जो आज तक किसी भी देश की आजादी के पहले जो हुआ हुआ उसके बाद कोई आज तक इतनी लंबी यात्रा नहीं की कि पैदल की और उस तरह से पूरे लोगों को, देश के लोगों को इकट्ठा किया। इतनी लंबी पद यात्रा देश के इतिहास में किसी ने नहीं की। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि ये राजनीतिक पद यात्रा नहीं है, हालांकि उसका राजनीतिक लाभ आपको मिलेगा, आप वो लाभ कैसे लेंगे? हमारा ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने शुरुआत किया है। शुरुआत क्यों किया है, पहले हम इस पर जाएं। जब संसद में आवाज बंद हो, विपक्ष की विवक्ष की बात सुनी न जाए, माइक बंद कर दिया जाए, प्रेस में उनकी बात
हो नहीं, तो एकमात्र उनके पास चारा जनता के पास जाने का कुछ नहीं था। उनने तय किया कि हम सीधे जनता के पास जाएंगे, अपनी बात करेंगे। आप देख लीजिए, प्रेस ने भी उनको लाइटली नहीं लिया, सीरियस लिया। और जनता में जब गए तो लोग कहते थे कि ये जो है दक्षिण में है, यहाँ सफल उत्तर में नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, कन्याकुमारी से ले कर कश्मीर तक भारी झूम जनता का। मैं तो इंदौर में उज्जैन में उनके साथ था, लाखों लाख लोग सड़कों में निकले, लाखों लाख लोग राहुल गांधी के साथ सड़कों पे दिखाई दिए। आपकी पदयात्रा काफी सफल रही, कांग्रेस की आज की तारीख में बातचीत होने लगी है, ये बातचीत चुनाव तक बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहेगी। उसका कारण क्या है कि अभी हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो का जो अभियान चल रहा है ब्लॉक लेवल हर विधानसभा में, इसका 24 पूरे मार्च तक ये कार्यक्रम चलाएगा और इससे आम पब्लिक से हम लोग जुड़ जाएंगे। तो बट नेचुरल है, उनकी समस्या को देखेंगे, अपनी बात रखेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी गुब्बारा मारती है, झूठ बोल के लोगों को प्रभावित करती है, कभी मंदिर के नाम से, कभी मस्जिद के नाम से, इस तरह से अब हम लोग जब समझाएंगे उनकी बात, जब मंदिर मस्जिद की राजनीति का दौर अब खत्म हुआ। साफ तौर से आपका कहना कि हम जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे समझेंगे, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उन मुद्दों से कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं उस समाज से हूँ जहाँ बिल्कुल समाज आज भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और चूंकि मैं वर्तमान में जवा का जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ प्रभारी के रूप में, तो ज्यादातर अपने लोगों को कहता हूँ कि भाई आखिरकार उन्हीं बस्तियों में मुझे ले चले कि जहाँ लोग जो है, तो आज के ये ताम झाम बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इनको कोई खबर नहीं है। ये अलग बात है कि थोड़ा सा आपका ये बात सब ये दुनियादारी चला रहे हैं लोग बात, लेकिन गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं जा रहा है। तो कम से कम हम सच्चाई बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि ये समाज सबके बराबरी, ये समाज सबकी बराबरी पर है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में नहीं जानती, इनका कहना है, क्योंकि वो उसी समाज से है। लेकिन ये बात जनता तक क्यों नहीं गई अभी तक? देखिए, इस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, देश में हमारी भारतवर्ष में सरकार नहीं है, जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो हमारे पास कोई है नहीं, अधिकारी और कर्मचारी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में सब एक करा लिया उन्होंने, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाते हैं, गरीबों के जाते हैं, अल्पसंख्यकों के, हरिजनों के, आदिवासी सामान सब के जाते हैं, लेकिन उनकी बात में असर नहीं पड़ रहा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाला चुनाव अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की बात सुन करके ही वोट देंगे। आगे आने वाला चुनाव आप लोग की बात सुनकर ही जनता वोट देगी, क्या आपको ऐसा लगता है? पहले भी मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को चुना था, अमित शाह और मोदी ने सरकार की चोरी कर ली, 20-22 विधायक चुरा ले गए, खरीद ले गए, इसलिए जनता ने इस बार ऐसा मन बनाया है कि इतना भारी बहुमत दे दें कि ये किसी तरह से चोरी ना कर सके। पिछले बार भी हमको कांग्रेस पार्टी को, हमारी पार्टी को जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने चुना था, निश्चित रूप से हमने सरकार भी बना ली थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हमारे विधायकों को चुरा लिया। चोरी हो गई एक बार आपके विधायकों की, दोबारा भी हो सकती है। अब हम लोग इतने सतर्क हो गए हैं कि कोई भी कांग्रेस के विधायकों को न पैसा देके न चोरी करके लेगा। आम जनता के बीच से जो आएगी बहुमत, इस बार वो 5-10 ले भी जाएंगे, फिर भी हम लोग 50 से बहुमत में रहेंगे। इस बार इतनी सीटें हमको मिलेंगी कि चोरी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, माना चोरी की गुंजाइश नहीं, आपकी सरकार भी बन जाएगी, फिर वही झगड़ा कुर्सी को लेकर। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है, और आप देख रहे हैं कि आज हम पोलिंग स्तर तक, हमारे जो कार्यकर्ता कमजोर थे आज हम पोलिंग स्तर तक जा रहे हैं। हमारा अगला प्लान पन्ना प्रमुख तक है, और हमारे जो इस तरह से संगठन, मैं सीधी का प्रभारी हूँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं सक्रियता, जिस तरह से कमलनाथ जी पूरी कांग्रेस पार्टी को एकजुट किए हुए हैं, आप निश्चित रूप से मानिए
कि अगला जो ये हमारा चुनाव है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी और दो तिहाई बहुमत से बनेगी। मैं आपको विश्वास, दो तिहाई बहुमत से बनेगी। डॉक्टर साहब, कल आपके एक बड़े नेता आए थे, प्रभारी थे मनोज तिवारी जी, उनका साफ तौर से कहना था हम एक और पद यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, हालांकि अभी वो प्लानिंग में है, पाइपलाइन में है, हम उसको बहुत जल्दी डिस्क्लोज करेंगे। तो क्या आप मानते हैं राहुल गांधी की अगली पद यात्रा इससे भी ज्यादा सफल रहेगी? बिल्कुल रहेगी, और ये राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है कि अभी हम दो तरफ गए हैं, दो हमारी दिशा बाकी है और उन दिशाओं में वो खुद जा करके, और तब तक हमारे चुनाव के समय नजदीक आने लगेंगे और जनता की जो रुझान है वो पूरी तरह से कांग्रेस के तरफ है। कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी देश को चलाएगी, ये उनकी सोच है और इसमें हम सब कार्यकर्ता, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग पद यात्रा कर रहे हैं, घर घर हाथ जोड़ो का जो आंदोलन है उसमें हर वार्डों में, हर गांव में लोग जा रहे हैं, शहर वाले शहर में जा रहे हैं, ग्रामीण वाले ग्रामीण में जा रहे हैं, प्रदेश वालों को भी जिम्मेदारी दे देगी, हर जिले में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। साफ तौर से माना जा सकता है कांग्रेस इस समय सड़कों पे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का छोटा हो या बड़ा नेता हो, वो घर घर जा रहा है, अपनी नीतियों के बारे में बता रहा है, अपने नेता के बारे में बता रहा है कि हमारे नेता ने इतना पैदल चल दिया जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं चला था। हमारी नजर इन खबरों पर लगातार बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।